आईएमए के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और इसको जो भी हमारी प्रशासनिक बोर्डियाँ मंत्रालय हैं सब पे जोर शोर से उठाया जैसे कि डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने बताया कि आज ढाई बजे जे पी नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे आई के केंद्रीय नेताओं को बुलाया था मीटिंग करने के लिए और अभी शाम को हमारा केंद्रीय नेतृत्व बंगाल जा रहा है वहाँ के स्थिति का जायज़ा लेने और वहाँ के हमारे चिकित्सक समुदाय से बातचीत करने और उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी आंदोलन की कि आगे का आंदोलन किस तरफ किस तरीके से जाएगा उसके इंस्ट्रक्शंस हमको केंद्रीय नेतृत्व से आज रात तक मिल जाएंगे या कल सुबह तक मिल जाएंगे और हम उसको आगे फॉलो करेंगे तब तक हमारा आज जैसे आठ बजे जे एल के बाहर कैंडल मार्च है और हम आप सभी से कहते अनुरोध करते हैं और आपके चैनलों के माध्यम से जनता को अनुरोध चिकित्सकों को अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडल मार्च में पधारें और अगर हमारे सभी सदस्य मौजूद है वो इस चीज पे अगर एग्री होते हैं तो हम तब तक काली पट्टी बांध के अपने कार्यस्थल पे काम करेंगे जब तक हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमको आगे की रूपरेखा के बारे में नहीं करता। बंगाल की ट्रेडिंग डॉक्टर मोमिता देवनाथ की नशंस हत्या और बलात्कार के बाद पूरे देश में आक्रोश है और उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर सारे चिकित्सक आक्रोशित हैं उसमें मेडिकल स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स सब कैंडल मार्च निकाल के अपना अहिंसात्मक आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी में सब लोग मिलकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं और अपनी ज्ञापन राष्ट्र को कलेक्टर के माध्यम से एसपी के माध्यम से उनको भिजवाया जा रहा है प्रधानमंत्री तक और हम यही मांग करते हैं कि ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए जो डॉक्टर्स को सुरक्षा दे अगर आज अभी हमारे नेशनल हेडक्वार्टर की भी जो मीटिंग हुई है ढाई बजे जगत नड्डा जी से हुई है साढ़े पांच बजे फिर हमारी एक जूम मीटिंग है और हमारे यहाँ के नेशनल लीडर्स वो अभी वेस्ट बंगाल भी जा रहे हैं तो आगे का आज क्या इसके अंदर पूरा निर्णय रहता है तब तक के लिए राजस्थान के अंदर आई राजस्थान की ओर से और हमारी सारी जो पैंतीस विंग है उनके हिसाब से पूरा आंदोलन चलता रहेगा यह आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा और यह किसी भी प्रकार की इलेक्टेड या जो इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है उन्हीं के लिए है और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं अभी भी चिकित्सक जनहित के अंदर कार्य कर रहे हैं लेकिन वो बड़े आक्रोशित हैं कोई भी बात ऐसा लग रहा है कि हमारे डॉक्टर के साथ जो ये घटना हुई है वांछित इन्वेस्टिगेशन जो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालत से ये सारा काम हो अगर नहीं होगा तो हमें हर उस रस्ते पे जाना पड़ेगा जिससे कि जनता को प्रॉब्लम हो सकती है चाहे वो किसी भी प्रकार की हो वो हड़ताल का कोई भी रूप ले लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे होगी क्योंकि आप मान के चलिए इस समय भी हम आंदोलन पे हैं लेकिन चिकित्सा सेवाओं को अभी हमने उतना प्रभावित नहीं होने दिया